आज मैं आपको तरोई की सब्जी की एकदम ही आसान रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म किया है। अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जैसे ही हमारा जीरा पक जाएगा तो मैं इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ कटी हुई डाल दूँगी। लीजिए, हमारा जीरा पक चुका है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। इसी के साथ अब मैं 2 हरी मिर्च भी काट कर इसमें डाल रही हूँ। लहसुन और हरी मिर्च एक साथ ही पक जाएंगे। लीजिए, ये पक चुके हैं। अब मैं इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। लीजिए, हमारी प्याज भी पक चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने इसमें पहले से हरी मिर्च भी डाल के रखी है, इसलिए मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। इनको भी हमको चलाते हुए अच्छे से पकाना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी। लीजिए, हमारे टमाटर पक चुके हैं। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से चला देंगे। अब मैं इसमें कटी हुई तरोई अच्छे से मिलाऊंगी। यह मैंने 500 ग्राम तरोई ली हुई है। देखिए कितने कम तेल में मैं सब्जी बना रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। अब नमक को मिलाने के बाद मैं इसको कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दूँगी। इस सब्जी को बनाने में हमको 10 से 12 मिनट का समय लगता है। लीजिए, हमारी सब्जी पक चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। लीजिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए।